हेलो स्टूडेंट्स टुडे आई विल डिस्कस अबाउट इंटरनल कम्बस्टन इंजन एंड एक्सटर्नल कम्बस्टन इंजन फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल कम्बस्टन इंजन और एक्सटर्नल कम्बस्टन इंजन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन टू इंजन यानी इंजन क्या होता है इंजन का डेफिनेशन क्या होता है जिसको हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका है लेकिन इस वीडियो को दोनों में डिफरेंस बताने से पहले एक बार और इंजन को डिफाइन कर लेते हैं उसके बाद अपने डिफरेंस पर बढ़ते हैं यानि इंटरनल कम्बसन इंजन और एक्सटर्नल कम्बस्टन इंजन में डिफरेंस क्या होता है तो फ्रेंड्स यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड्स के बीच इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू इंजन यानी इंजन से इंट्रोड्यूस कराना इंटर इंजन क्या होता है तो फ्रेंड्स अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इन टू थर्मल इनर्जी एंड देन इट यूजेज दिस इनर्जी टू डू सम मैकेनिकल वर्क यानि इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जो फ्यूल की केमिकल इनर्जी को कन्वर्ट करता है थर्मल इनर्जी में और उसके बाद थर्मल इनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वर्क में तो फ्रेंड्स हम इंजन को सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं कि इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें मैकेनिकल वर्क प्रदान करता है यानि जब फ्यूल की केमिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कम्बस्चन के बाद कन्वर्ट हो जाती है उसके बाद जो होता है टॉर्क जनरेट होता है और टॉर्क जनरेट होता है तो व्हीकल यानी जो साधन होती हैं उसमें गति प्रदान होता है जिसके द्वारा हमें मैकेनिकल वर्क मिलता है अब हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हीट इंजन यानी हीट इंजन कितने प्रकार के होते हैं तो इंटरनल कंबस्टन इंजन एंड एक्सटर्नल कम्बस्टन इंजन यानी हीट इंजन दो प्रकार के होते हैं इंटरनल कंबस्टन इंजन एंड एक्सटर्नल कम्बस्टन इंजन अंतर दहन इंजन और बाह्य दहन इंजन अब हम इंटरनल कंबस्टन इंजन को डिफाइन करेंगे तो द इंटरनल कंबस्टन इंजन इज एन इंजन इन विच द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल ऑर्स इन अन्फाइंड स्पेस कॉल्ड अम्बस्टन चैम्बर यानी इंटरनल कम्बस्टन इंजन एक ऐसा इंजन होता है जिसमे फ्यूल का जो बर्निंग होता है एक कम्बस्टन चैंबर में होता है यानी yani इसको हम सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें तो अंतर दहन इंजन एक ऐसा इंजन होता है जिसमे फ्यूल का कम्बस्टन इंजन सिलेंडर के अंदर होता है यानि इन साइड ऑफ इंजन सिलेंडर बर्निंग होता है फ्यूल का जिसका है यदि हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल हो जाएगा डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन यानि डीजल इंजन को हम कह सकते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन और पेट्रोल इंजन को कह सकते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन, इंजन यानि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन इंटरनल कम्बस्टन इंजन का एग्जाम्पल हो जाएगा अगला जो हमारा है वो है एक्सटर्नल कम्बस्टन इंजन अब एक्सटर्नल कम्बस्टन इंजन क्या होता है तो एन एक्सटर्नल कम्बस्टन इंजन यूजेज अ वर्किंग फ्लूड आई अ लिक्विड आर अ गैस आर बोथ दैट इज हीटेड बाई अ फ्यूल बर्न आउटसाइड द इंजन यानी यानि एक्सटर्नल कम्बस्टन इंजन एक ऐसा इंजन होता है जिसमें फ्यूल का कम्बस्टन जो होता है वह इंजन सिलेंडर के आउटसाइड यानी बाहर की तरफ होता है और उस फ्यूल के कम्बस्टन से हम हीट जनरेट करते हैं यानी जो इंजन होता है वो केमिकल फ्यूल की केमिकल इनर्जी से बर्न होने के बाद जो लिक्विड हो या वाटर हो उसको हीट प्रदान करके स्टीम जनरेट करता है और स्टीम से हमें जो होता है मैकेनिकल वर्क प्रदान होता है यानी एक्सटर्नल कम्बस्टन इंजन एक ऐसा इंजन होता है जिसमें फ्यूल का कम्बस्टन इंजन सिलेंडर के आउटसाइड में होता है और उस हीट से हीट से क्या होता है स्टीम जनरेट होता है और स्टीम से जो होता है टर्बाइन हुआ या मोटर हुआ उसको चलाया जाता है और मैकेनिकल वर्क प्रदान होता है इसका यदि एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल होगा स्टीम इंजन थर्मल पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड स्टीम इंजन स्टीम इंजन का एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे पहले के समय में जो ट्रेनें चलती थी वह स्टीम से चला करती थी इंजन का एक एग्जाम्पल हो गया थर्मल पावर पावर प्लांट में जो पावर प्लांट होता है उसमें बॉयलर होता है और बॉयलर में कोयले के रूप में फ्यूल फ्यूल के रूप में कोयले को जलाया जाता है और इससे स्टीम जनरेट किया जाता है और उस स्टीम से पावर को जनरेट किया जाता है उसी तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट भी एक्सटर्नल कम्बस्टन इंजन का एक एग्जाम्पल है अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि इंजन और इंटरनल कंबस्टन इंजन में दोनों में क्या डिफरेंस है तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं डिफरेंस के तरफ डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंबस्टन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन इंटरनल कम्बस्टन इंजन और एक्सटर्नल कम्बस्टन इंजन में दोनों में क्या डिफरेंस है तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है कम्बस्टन टेक प्लेस इन साइड द सिलेंडर जो इंटरनल कम्बस्शन इंजन होता है उसमें जो कम्बस्टन होता है वह इंजन सिलेंडर के अंदर होता है और एक्सटर्नल कम्बस्टन इंजन में क्या होता है कम्बस्टन टेक प्लेस आउटसाइड द सिलेंडर यानी कम्बस्टन जो होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन में वो इंजन सिलेंडर के बाहर होता है नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो हाई टेंपरेचर यानी इंटरनल कंबशन इंजन में हाई टेंपरेचर होता है और एक्सटर्नल कंबशन इंजन का लोअर टेंपरेचर होता है दोनों के कंपैरेटिवली में यानी यदि कंपेयर करें इंटरनल कंबशन इंजन का टेंपरेचर और एक्सटर्नल कंबशन इंजन का टेंपरेचर तो इंटरनल कंबस्टन इंजन का टेम्परेचर हाई होगा और एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन का टेम्परेचर लो होगा इंटरनल कंबस्टन इंजन को हम शॉर्ट में बोलते हैं आईसी इंजन आईसी इंजन एंड एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन को हम शॉर्ट में बोलते हैं ईसी इंजन नेक्स्ट तो डिफरेंस है वो है प्रेशर इज हाई यानी इंटरनल कंबस्टन इंजन का प्रेशर हाई होता है और इंटरनल कंबस्टन इंजन का प्रेशर लोअर होता है अब इफिशियंसी की जो बात है इंटरनल कंबस्टन इंजन की इफिसियंसी जो है वो ज्यादा होती है और एक्सटर्नल कम्बस्टन इंजन की एफिशिएंसी जो होती है वो लो होती है तो अब बात आती है कैसे एफिशिएंसी इसकी कम होगी और इसकी एफिशिएंसी कैसे ज्यादा होगी तो फ्रेंड्स जो इंटरनल कम्बस्टन इंजन होता है उसमें जो फ्यूल का कम्बस्टन होता है इंजन सिलेंडर के अंदर ही होता है जिससे उसके हीट के लॉसेस जो है वो हीट का लॉसेस नहीं हो पाता है और पूर्ण रूप से जो उसकी जो हीट होती है वह पावर में कन्वर्ट हो जाता है और जो एक्सटर्नल कम्बस्टन इंजन होता है इसमें इंजन सिलेंडर के बाहर कम्बस्टन होता है जिससे हीट एक्सचेंजर के थ्रू इसको हम सिलेंडर में लाते हैं तो इसमें हीट का लॉसेस होता है जिसकी वजह से इसकी जो एफिशिएंसी है वह कम हो जाती है कम्पेरिजन टू इंटरनल कम्बस्टन इंजन के अगला जो है लाइट इन वेट जो एक्सटर्नल कम्बस्टन इंजन होता है वह हैवी होता है वेट में और इंटरनल कम्बस्टन इंजन होता है वह हल्का होता है वजन में अगला जो टाइप है लेस स्पेस रिक्वायर्ड यानी इंटरनल कम्बस्टन इंजन के लिए कम स्पेस यानी कम जगह की आवश्यकता हो होती है और एक्सटर्नल कम्बस्टन इंजन में अधिक जगह की आवश्यकता हो होती है क्योंकि इसमें जो होता है वह इंजन जो कम्बस्टन जहां पर होता है वह बाहर होता है और आईसी इंजन में जो होता है कंबस्टन चैम्बर इंजन सिलेंडर के अंदर ही होता है और इसमें बाहर के साइड में होता है इसलिए ज्यादा जगह की आवश्यकता हो होती है अगला जो होता है आईसी इंजन चीपर यानी सस्ता होता है और ईसी इंजन कॉस्टली होता है यानि महंगा होता है अगला है लेस टाइम रिक्वायर्ड टू स्टार्ट आईसी इंजन को स्टार्ट करने के लिए कम समय की आवश्यकता होती है और इसी इंजन को स्टार्ट करने के लिए ज्यादा समय लगता है इसका जो होता है ये सेल्फ जनरेटेड भी होता है इसमें जो होता है थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है जिसमें मान लीजिए कोयले को जलाने उलाने में ज्यादा टाइम लग जाता है जिसकी वजह से इसमें टाइम टेकिंग होता है और इसमें ए टाइम नहीं लगता है इसमें अगला जो होता है जो आईसी इंजन होता है इसे हम कहते हैं एसआई इंजन या C.I. इंजन यहां पर सी आई इंजन होगा यानी स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन इसे भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे एस आई इंजन क्या होता है और सी आई इंजन क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं और इसे जो है एक्स्टर्नल कंबेशन इंजन को हम स्टीम इंजन और स्टीम टर्बाइन इंजन भी कहते हैं यानी स्टीम इस इंजन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा और स्टीम टर्वाइन हो जाएगा अगला जो हो जाएगा स्टर्लिंग इंजन भी हो स्टर्लिंग इंजन भी हो जाएगा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तो फ्रेंड्स इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के बीच इसे ज्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा इसे आप कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं